आप देख रहे हैं देश खबर 24 और मैं हूं आज। आज हम दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा सच जो बीते कई वर्षों से शहर के बीचों बीच बेदाग तरीके से पर्दे के पीछे चल रहा था, जिसे पुलिस और प्रशासनिक अमले ने बेनकाब कर दिखाया है। हम बात कर रहे हैं उस नर्सिंग होम की, जहां महज 6,000 रुपए की काली कमाई के लिए किस तरह से दुनिया में आने से पहले उन बेटियों को मां की कोख में ही मौत की नींद सुला दिया जाता था। कहने को तो भ्रूण परीक्षण और गर्भपात कराना कानूनन अपराध है, बावजूद इसके चंद पैसों की लालच में नर्सिंग होम संचालित करने वाले इस अपराध को बाखूबी अंजाम दे रहे थे। इसके पीछे कहीं ना कहीं पूर्व में सत्ता में रहे राजनीतिक दल का संरक्षण मिलना भी प्रतीत हो रहा है। लेकिन नर्सिंग होम के इस काले कारोबार का सच उस वक्त सामने आ गया जब शिकायत मिलने पर प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली। हम आपको बता दें कि नर्सिंग होम का सच सामने लाने के लिए कलेक्टर व एसपी ने अपने अपने ईमानदार अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी महिला थाना प्रभारी की थी, जिन्होंने अपने काम को बाखूबी अंजाम दिया और नर्सिंग होम के पूरे कारोबार का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस के स्टिंग ऑपरेशन में खुला नर्सिंग होम के काले कारोबार का राज। जानिए पुलिस ने कैसे बिछाया था जाल। शहर के बहुचर्चित अग्रवाल नर्सिंग होम में चल रहा था भ्रूण परीक्षण का काला कारोबार। बिना रजिस्ट्रेशन चलाई जा रही थी सोनोग्राफी मशीन। 6,000 रुपए के लिए जन्म लेने से पहले बेटियों को दी जा रही थी मौत की सजा। अब संदेह के घेरे में स्वास्थ्य विभाग का अमला। जिले में अब तक का पुलिस और प्रशासन का यह पहला स्टिंग ऑपरेशन। आइए जानते हैं कैसे सफल हुआ स्टिंग ऑपरेशन। मैडम, ये कल एक नर्सिंग होम में अपन एक स्टिंग किया था और वहाँ पर एक बड़े काले कारोबार का भंडाफोड़ जहाँ भ्रूण परीक्षण होता था, तो कैसे किस तरह से अपन ने उसको योजना तैयार की और किस तरह से उसको कार्य को पूरा किया अपन? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और नगर पुलिस अधीक्षक महोदय ने मुझे बुलाया और बताया ये ऐसा ऐसा करना है। उनके निर्देशानुसार SDM विकास सिंह सर से भी चर्चा की। तत्पश्चात नंबर जो दिए गए थे, नंबर सर ने जैसा बताया, तो मेरे द्वारा ये कहा गया कि मेरे तीन लड़कियाँ लोकल भाषा में, भैया हमारे तीन बिटियाँ हैं, हमारा सास बहुत परेशान करती है और हमें ऐसा काम कराना है कि हम फिर से 4-5 माह की प्रेगनेंसी है और आप हमारा सोनोग्राफी करके हमें बता दीजिए तो हमारे ऊपर काफ़ी मेहरबानी होगी। हमने बोला आपको नंबर कहाँ से मिला है, लगेंगे। मैंने कहा कि 6,000 रुपये भैया बहुत गरीब हैं, 6,000 रुपये हम ना दे पाओ, थोड़ी कम कर ली। बोले डॉक्टर साहब से बात करके कम कराएंगे। इसके बाद फिर दूसरे दिन फ़ोन आता है, बोला कि आप आएंगे तो भैया व्यवस्था नहीं हो पाई है, आप दूसरी डेट दे दीजिए। बोले कल आप 9 बजे आ जाएंगे, फिर 9 बजे नहीं 2 बजे आ जाएंगे। बोले डॉक्टर साहब मीटिंग में है, नहीं आ पाएंगे, आप दूसरे दिन आइए। फिर कल 4 तारीख को ये पूरी सबके निर्देशन में योजना बनी। तो ये अपन का जो प्लान था, जैसे अपन को वहाँ पे स्टिंग करना था, तो अपन कब से इसकी तैयारी कर रहे थे, कितने दिन से योजना? 2 जुलाई से हमने पूरी बातें तैयार की वहाँ पे। फिर ऐसा ही चित्रा का सर हो गया जो PDS में पदस्थ था, चित्रांगदा सिंह, वहाँ से चित्रांगदा सिंह को लेकर, क्योंकि 4-5 महीने की उनकी प्रेगनेंसी, साथ में हम लोग ऑटो से, और वहाँ जाके जैसे उसने हमको देखा, फ़ोन में बात कर रहा था उन्होंने और बात किया, बोले आप लोगों ने लेट कर दिया, डॉक्टर साहब आने वाले थे, उनका तो पंचर हो गया था। तो 2 तारीख से तो बता रहे हैं कि इसे इसके पहले अपन मंडे को बोल रहे हैं कि मंडे अपन कुछ स्टिंग में कुछ ऐसे उन्होंने शक भी किया होगा कहीं पे, कहीं प्लान अपना फेल होता दिखा हो ऐसा? नहीं, 3 तारीख को हमारे यहाँ मीटिंग थी, इस वजह से हमने प्लान किया।
बोला उस दिन ये बता दिया कि सासू माँ ने पूजा का आयोजन कर रखा है, तो पूजा करवाना है घर में, इस वजह से ये नहीं आ पाएंगे और 3,000 की व्यवस्था हो गई है, सिर्फ पैसे की व्यवस्था नहीं। इससे पूरे स्टिंग ऑपरेशन में इतना बड़े भंडा फोड़ में आपकी बहुत बड़ी सराहनीय भूमिका रही, तो अपन को कहीं पे ये क्या कठिनाई कहाँ पे कहीं पे लगी ऐसा कहीं पे? क्योंकि ये मन बना लिया था, बच्चों की जिंदगी का सवाल था कि छोटी बच्चियाँ जीवन देते हुए जीने से पहले ही वो उनका सीधे सीधे जीवन समाप्त हो जाता है, इस वजह से अपने आप में एक मोटिवेशनल स्टिंग ऑपरेशन था जिसके तहत ये लगा कि इसमें हमें कुछ करना है। चलिए जानते हैं कैसे खुला इस काले कारोबार का राज। दिन था मंगलवार, समय था शाम करीब 4 बजे का। महिला थाना प्रभारी आराधना सिंह थाने में बैठकर रोजाना का काम निपटा रही थी। इसी बीच उनके मोबाइल की घंटी बजी। फोन था पुलिस अधीक्षक आबिद खान का। लगभग 5 मिनट तक चली इस बातचीत के दौरान एसपी ने महिला थाना प्रभारी को पूरे प्लान के संबंध में बताया और उन्हें इस स्टिंग ऑपरेशन का मुख्य किरदार बनाया। साथ ही आराधना सिंह को एक मोबाइल नंबर भी दिया गया जो नर्सिंग होम में दलाली करने वाले व्यक्ति का था। साथ ही एसपी ने इस बात की भी हिदायत दी कि इस स्टिंग ऑपरेशन की जानकारी वह अपने घर वालों तक को ना दें। अब दिन था बुधवार और तारीख थी 3 जुलाई की। अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के बाद आराधना सिंह ने दलाल के नंबर पर फोन किया और उससे आम महिलाओं की तरह बातचीत कर अपने भरोसे में लिया। महिला थाना प्रभारी ने दलाल को बताया कि वह 3 बेटियों की मां है और वर्तमान में वह 6 माह की गर्भवती हैं। उन्हें डर है कि कहीं फिर से बेटी ना हो जाए, क्योंकि पहले से 3 बेटियां होने के कारण पति सहित ससुराल जन उससे नाखुश रहते हैं और उसे प्रताड़ित भी करते हैं। महिला थाना प्रभारी की यह बात सुन दलाल उनके झांसे में आ गया और महज 6,000 रुपये में भ्रूण परीक्षण सहित गर्भपात कराए जाने की बात कर डाली। अब दिन था गुरुवार, तारीख थी 5 जुलाई। दलाल ने सुबह खुद आराधना सिंह को फोन कर उन्हें 6 जुलाई की सुबह 9 से 10 बजे के बीच अग्रवाल नर्सिंग होम में भ्रूण परीक्षण और गर्भपात के लिए बुलाया। महिला थाना प्रभारी यह पूरी तरह से समझ चुकी थी कि दलाल और महिला चिकित्सक अब उनकी जाल में फंस चुके हैं। बिना समय गवाए उन्होंने इसकी जानकारी एसपी आबिद खान को दी। अब पुलिस अधिकारी के सामने एक बड़ी समस्या यह बनकर आई कि 6 माह की गर्भवती महिला मिलेगी कहाँ जिसका भ्रूण परीक्षण कराया जा सके। एसपी आबिद खान ने तत्काल महिला पुलिसकर्मियों व अधिकारियों का सहारा लिया और महिला थाना प्रभारी को यह जिम्मेदारी सौंपी कि पुलिस विभाग ऐसी किसी महिला की तलाश करे। तभी पता चला कि पुलिस लाइन में पदस्थ सब इंस्पेक्टर चित्रांगना सिंह 6 माह की गर्भवती हैं। चित्रांगना के मिलते ही एसपी को यह मिशन कामयाब होता नजर आने लगा। 5 जुलाई को ही शाम पुलिस अधीक्षक आबिद खान व कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव से चर्चा कर एक टीम का गठन किया गया जिसमें एसडीएम, तहसीलदार, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, सीएसपी, विश्वविद्यालय पुलिस और अपराध नियंत्रण की टीम को शामिल किया गया। सभी को सुबह का टास्क दिया गया लेकिन किसी को यह नहीं बताया गया कि मामला क्या है। इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के संबंध में कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव, एसपी आबिद खान, महिला थाना प्रभारी आराधना सिंह, उप निरीक्षक चित्रांगना सिंह और एसडीएम व सीएसपी के अलावा किसी को कुछ पता ही नहीं था। अब दिन था शुक्रवार और तारीख थी 6 जुलाई की समय
सुबह तकरीबन 9 बजे दलाल के बुलाए गए समयानुसार आराधना सिंह और चित्रांगना सिंह गृहिणी के भेष में अग्रवाल नर्सिंग होम में दाखिल हुई, जहां उन्होंने दलाल के माध्यम से चिकित्सकों से मुलाकात करने के बाद चित्रांगना सिंह की सोनोग्राफी कराई गई। जैसे ही महिला चिकित्सक द्वारा सोनोग्राफी की गई, तभी पुलिस और प्रशासनिक अमले ने पूरे नर्सिंग होम को घेरते हुए दबिश दे दी। तो इस तरह से पुलिस और प्रशासनिक अमले ने अग्रवाल नर्सिंग होम में संचालित हो रहे काले कारोबार का भंडाफोड़ कर दिया। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के सभी साक्ष्य पुलिस और प्रशासन ने क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित कर लिए थे। यहां तक कि आराधना सिंह और दलाल के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी सुरक्षित रखा गया है। यहां पे सोनोग्राफी इसलिए की जाती है लिंग परीक्षण के लिए, और उसके बाद जब लिंग परीक्षण हो जाता है तो भी बाद जिलों दबावनाथपुर का बात करा, ऐसी शिकायत मिली थी। उसके आधार पर कलेक्टर महोदय ने एक टीम गठित किया कि जांच करें, जांच किया जाए और औचक छापा डाला भी दूसरी की बता। इसके आधार पर हम लोग ने एक टीम बनाई और महिला थाना प्रभारी को इसका काम सौंपा गया कि आप किसी तरह इनसे बात करें। तो इनके यहाँ दलाल सिस्टम है, दलालों के माध्यम से ये अपने उनको जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके उनसे बात करते हैं और पैसा तय करती हैं और फिर समय बताया जाता है कि इस समय लेके आए। तो महिला थाना प्रभारी ने उनसे बात की और उनसे 6,000 रुपये की मांग की गई और इसकी हम लोगों ने ऑडियो टेप कराया और 6,000 रुपये मांग की गई और बुलाया गया कि आज 9 बजे से 10 बजे के बीच में आएँ तो आपका काम हो जाएगा। महिला थाना प्रभारी ने एक अपने पीटीएस में हमारी एक सहयोगी सब इंस्पेक्टर हैं चित्रांगदा सिंह, जो कि उनको भी 5 से 6 महीने का एक बच्चा है, उनको हम लोगों ने चेक किया और उनको यहाँ लिया। फिर उनकी सोनोग्राफी उन्होंने किया और सोनोग्राफी होते ही हम लोगों ने उनको पकड़ा और इसमें पूरी टीम गठित हुई थी, जिसमें CSP साहब, CNHO साहब, हमारे दो नए तहसीलदार रघुदासी पांडे और सतीश शुक्ला सम्मिलित थे, PI विश्वविद्यालय सम्मिलित थे। इन लोगों के माध्यम से पूरा कार्रवाई की, लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो हमारी महिला थाना प्रभारी आराधना सिंह है उनका। तो अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो YouTube में जाकर लिखें तेज खबर 24 और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हम लगातार आप तक खबरें पहुंचाते रहें।